चल अंजलि चल, पंडाल देख लिए ना, चलिए अंदर चल। हाँ सुन, बहुत कुछ है। ओ दिल गार्डन गार्डन ये है आपका साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड डिश अमला। और आप सबको कल ही बोली थी कि इस बार मैं आप सबको रंगकिला घुमाने वाली हूँ, तो बस हम निकल ही रहे हैं। देखिए रेडी रेडी हो करके, तो चलिए चलते हैं। हम तो बाइक से जा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। चलो चलो चलो, जबलपुर घुमा चुकी हूँ आप सबको, इस बार रंगकिला घुमाऊँगी। हाँ ठीक है, चलो बैठो 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 बैठो। नहीं नहीं पीछे बैठे, हम हो गए हैं रेडी। कहाँ जा रही है बेटा बता दो। काम करने। चलो 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 बस हम आ गए हैं रेडी रेडी होकर के। देखिए हम निकल रहे हैं हमारे सुजुकी में। तो चलिए घूमते हैं, बाकी बात सब उधर करेंगे, क्योंकि बात क्या करेंगे, सिर्फ आप सबको हम घुमाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, ऐसे ही सारे साथ हो चुके हैं। ठीक है चलिए, तो ये पहला जो हम दर्शन करेंगे और आप सबको भी करवाएंगे। चलिए ये कितना नंबर है मैं बता रही हूँ, आइए आगे। पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है, मेरे को पीछे से आवाज़ देना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये मंडप जो है 15 नंबर का है। ठीक है चलिए देखते हैं। चलिए चलिए, अब यहाँ से फिर कहीं और चलते हैं। दर्शन तो कर ही लिए होंगे आप लोग भी, मैं करवा रही हूँ ना। चलो ये यार कहाँ पीछे रह जाती है, ये हर जगह मीना बाजार, छोटा या बड़ा। हाँ ये 4 नंबर है। तो ये है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अंदर में बहुत अच्छा व्यू है, सब भी बोल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं अंदर में, हर जगह मीना बाजार, हर जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए ये है आपका 7 नंबर। ठीक है चलिए, चांद है जो हर एक
फॉरेन की बॉलर है वो करेंगे, आएंगे और बोलेंगे मैं भी छक्का या चौका मारने की कोशिश करूंगा। और हुक शॉट एक ऐसी शॉट है जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम बल्लेबाज ऐसे होते हैं तो नियंत्रण पा सकते। 33 रन करके वो आउट, 128 पर थी। अच्छे खेले मगर हर गेंद के ऊपर पुल शॉट अगर आप खेलेंगे तो कंट्रोल रख पाए, लेकिन इन्होंने अपना गेंद खासकर पुल शॉट के ऊपर एक बहुत बड़ी सीख है, वो है जिस तरह से विराट कोहली ने भी पिछली इनिंग पुल शॉट खेलते रहेंगे, कोशिश करते ही रहेंगे। अच्छा कैच वहां पहुंचने का मगर बेहतर हो और ये देखिए नसीब की बात है, देखिए ये जो शॉट इतना सुंदर है, दिल खुश हो गया देख कर। अरे मूर्ति तो कितना सुंदर सुंदर है। चलो मौसा जी तेरा उधर है, चल ये यहाँ पे देखिए इतना भीड़ है, देख रहे यहाँ पे जुबली पार्क है, देख रहे हैं ना। चलिए अंदर क्या पता गार्डन पब्लिक देखिए यहाँ पे। दर्शन कर ही लिए दुख सुख से, ओहो जन्नत जैसे लग रहा है मुझे तो। बहुत अच्छा कि मैं आकर के यहाँ पे, नहीं तो पछताते रह जाती। कहाँ जाने वाले हैं अभी हम लोग? अभी जाने वाले हैं दोनों। चलिए चलो अलग है यहाँ का सब एरिया, सेम सेम दिखता है बहुत अलग है, कुछ भवन टाइप है। ये था सेक्टर 15 ना रे? हाँ 15। तो अभी और जा रहे हैं आगे, आगे देखते हैं कितना नंबर पहुँच रहे हैं हम लोग। सेक्टर 1-2-4 1-2-4 तो अभी हम देखेंगे 2 नंबर का। चलिए जितना देखेंगे ना उतना कम। बहुत खूबसूरत खूबसूरत है यहाँ पे पंडा, बैठना है क्या? देखिए घोरा में कौन बैठेगा, कौन बैठेगा? मेरा बेटी रहती तो बैठती, नहीं मिला तो आगे मिलेगा क्या पता, चल जाएंगे। यहाँ जेंट्स लोग है उधर, लेडीज लोग का इधर। सुनना गहना मोबाइल पर मजा नजर सुनने भरपूर मजा नहीं उनके। सामने जो पूजा देवी के दो किसी अपना सोना चांदी बचा के रखना है रे भाई, यहाँ पे चोरी होता है, अलाउंस हो रहा है, जो भी है मोबाइल वगैरह जो भी आप अपने छुपा के रखें।
यहाँ पे तो खाने पीने का इतना लगा है कि बस पूछो ही, देख रहे हैं ना, लकी फास्ट फूड वगैरह वगैरह दुनिया भर का। इतना दिखाऊं, वाह बहुत सुंदर है ये। इतने साल का बच्चे कब हो गई है? तीन साल का बच्चा के लिए होगा, तीन साल का बच्चा हो जाएगा ना। चप्पल का खजाना मस्त दिख रहा है, चप्पल पहनना है अपने लड्डू के लिए। और सीधा सीधा चलिए सेक्टर 1 के लिए। वाह देखिए कितना खूबसूरत है, ये जगन्नाथ मंदिर के पास वाला है। राइट देखिए लाल किला का सबसे बड़ा हाउस, छोड़ दो हो गया रे भाई। कौन सा ये, कौन सा जगह है भाई आपका? सेक्टर 20 राइजिंग फील्ड। मुझे उतना आइडिया नहीं है, लोगों ने यहाँ पर रहते हैं ना। चलिए देखिए लाइट बहुत खूबसूरत, देख रहे हैं ना, ये लाइट मुझे बहुत पसंद है। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ भी देखिए मीना बाजार, हर जगह मीना बाजार। ठीक है देखिए कितना सुंदर है, क्या चलिए ये आपका है सेक्टर 20 राइजिंग फील। चलिए अंदर चलिए, नहीं हम लोग बाहर नहीं फोटो उठा रहे हैं, अंदर से आ गए और सवारी करना है। देखिए हम लोग झगड़ा ही हो रहे हैं कि अंदर से आए कि नहीं आए, बताइए। चलो चलिए अंदर जा रहे हैं अभी हम लोग। हाँ यहाँ पे अंधेरा अंधेरा लग रहा है, चलिए यहाँ पे लेडीज जेंट्स अलग अलग। पूरा डिजिटल तो है और क्या। ये डिसीजन तो यहाँ का जो थीम है ना वो जबरदस्त है, बहुत ही सबसे राइट डिसीजन था हमारा यहाँ पे, राइट जब। चलो चला जाओ, बहुत कुछ है यहाँ पे साइंस के बारे में, आपके पढ़े लिखे। चलिए बाहर संभल, तुम्हें ठंडा नहीं यहाँ पे बहुत ठंडा है रे भाई। अब मुँह से आवाज़ भी, चल उधर जाएंगे, तेरा मौसा उधर है। चलिए यहाँ पे क्या बना है, भीड़ देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, चल 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 पंडाल देख लिया ना, चलिए अंदर चल 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 अंदर चल। इतना सुंदर उनका है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह है ना, चलिए अंदर चलिए अंदर। बैलेंस करना रहता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, देखिए अंदर क्या खूबसूरती है, बना है कि क्या बताएं। चलो आ जाए इधर देखते हैं, बाहर देखिए खाली क्यों है पता है, क्योंकि रात को 11 बज रहे हैं और मैं घूम रही हूँ रात के 11 बजे तक। अरे वाह देख रहे कितना सुंदर है, नहीं क्या सच में देखिए वाह कितना सुंदर है। हाँ हाँ उठाएंगे देखिए, देख रहे ना कितना खूबसूरत चीज है। 11 बज गया है लेकिन फिर भी अभी तक लोग घूम रहे हैं, लोग को छोड़िए ना मुझे भी, मेरा बेटी सोई है इसीलिए मैं घूम रही हूँ, इतने घूम पाती इतना कहाँ गई।
मैं बात करते करते आगे निकल जाती हूँ, पीछे ही रह जाते हैं। चलिए अब दो और है, देख लेते हैं, चलते हैं। चलिए बहुत खूबसूरत है यहाँ का भी, देखिए रात 11:30 है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ ना। वाह देखिए, चल अंजलि चल, चलिए अब इधर से हम जाएंगे। देख लीजिए थोड़ा यहाँ से देख रहे हैं, चलिए जाके देख के आते हैं। चल फिर जाएंगे, चलिए और एक लास्ट है, देखेंगे और घर जाएंगे। हाँ चलो इधर चलो, इधर से हाँ बहुत अच्छा लगा। चलो अभी भी 11:30 हो गया है, 12 बजने वाला है, लेकिन भीड़ खत्म नहीं, चलिए जल्दी से चलते हैं, नहीं तो सब बंद होने वाला है, आधा से ज़्यादा बंद हो गया, लाइट तो बिल्कुल नहीं है। देखिए तो ये है आपका 18 नंबर और यहाँ पर बना है आपका केदारनाथ, देखिए। चलिए तो ये है आपका 18 नंबर और यहाँ बनाया गया है आपका केदारनाथ, बता दिए और एक बार। चलिए अंदर खाली है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए लाइट सब बंद हो गया है, तो ये था हमारा लास्ट केदारनाथ जी का दर्शन जो कि हम कर लिए, और ये था आपका 18 नंबर, ठीक है। चलिए लाइट वाइट बंद हो गया है क्योंकि 12 बजने वाला है, और 10 मिनट ये कितना है 12 बजने के लिए। चलिए हाँ अब घर जाएंगे, मौका मिलेगा कि नहीं आप लोगों को टाटा बाय बाय बोलने के लिए, इसीलिए हम यहीं पर बोल दे रहे हैं। सब सो गए होंगे, रात को 12 बज गए, तो हम वहाँ पर आप सबको लाइक कमेंट शेयर तो बोल नहीं सकते हैं ना। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और आप सबको कहाँ का सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं, ओके गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। ए बाय बाय कर ये तो अपना मोबाइल में ही लग रहती है, सोचिए कब से घूम रहे हैं, और चूड़ा शक्कल हमारा उतर चुका है, उसका भी सेल्फी लेना बंद नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, गुड नाइट।